तो गाइस अभी समय हो गया है सुबह के 4। हम कहाँ पहुंच गए हैं कुलदीप? कहाँ पे हैं हम? राजस्थान। सर बालाजी महाराज के, तो अभी एक बार ठिकाना लगा दीजिएगा, जय श्री सर बालाजी महाराज की है। सो अभी थोड़ी ही देर लगेगी हमें, अप्रॉक्स 7-8 मिनट। हम जहाँ रुकने वाले हैं वो आपको दिखाएंगे। तो वहाँ पे सूरज उग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है सनराइज होता हुआ, ठीक है ना? तो बस थोड़ा सा दूर है, पहुँचते हैं। भाई कौन कौन है वो दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे मेरी माता जी, देखो भाई साहब, पीछे गुगु है, अनु है, यहाँ पे मेरा ब्रदर इन लॉ है विश्वजीत। और देखो इतना पतला रोड पे गाड़ी कैसे निकाल रहे हैं भाई साहब। मुझे तो सबसे अच्छा सूरज लग रहा है सामने, देख रहा, और समझ में आ रहा है ये बढ़िया जगह पे है। चलो बढ़िया बात है, चलते हैं। पीछे हमारी एक और गाड़ी आपको दिख रही होगी, इसी से दिखाता हूँ मैं। ये भी अपनी ही गाड़ी है भाई, जिसमें मेरी मदर इन लॉ और विश्व सॉरी विकास और प्रदीप है। प्रदीप ड्राइव कर रहा है, हमारा ही बलियनो है वो। और यहाँ पे देखो एक भी खेती नहीं दिखी, बहुत कम दिखी, अगर देख भी गई तो। बाकी गाइस हम पहुँच चुके हैं, दिस इज द पंचकुला भवन, और ये हमारा धर्मशाला है, टॉप क्लास का धर्मशाला जिसे कहते हैं। आप देख लो टॉप क्लास की गाड़ियाँ लगी हैं, फॉर्चुनर, स्कॉर्पियो एंड हैरियर, है ना, मल्टीपल फॉर्चुनर्स। और यहाँ बगल में हमारी दो गाड़ियाँ लग जाएंगी। कुलदीप आ गया है, और फाइनली वी रीच्ड। बहुत लंबा सफ़र था, लिटरली बहुत लंबा सफ़र था, और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया है। हम पहुँच चुके हैं हमारे धर्मशाला में, और सूरज देखो भाई साहब, ये नज़ारे, ओहो हो 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 हो। हाँ जी विकास भाई, कैसा रहा जर्नी? बढ़िया, मजा आया। सोए थे कि नहीं सोए थे? सो फाइनली हैं, पहुंच ही गए। ओके सर, सोए थे आज? नहीं, कहां पूछ रहे, सोए थे सर? आई तो मिनट भी नहीं सोए। गुरदीप दा माना मैं हो गया, मेरे थोड़ा लग गया। अच्छा, उधर नींद आने लग गई सी, ऐ चलाउंदे ना अख बंद हो गई मामा। ओ भाई ए तो चलो सड़क बढ़िया है, ना जंप करा भाई, जंप जंप गो। चलो 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 जल्दी आ यार, चलो चलिए। सब आ गए, देख लो भाई, यहाँ पे दो मम्मियाँ दो मम्मियाँ। तो भाई पूरा ब्लॉग देखना, लिटरली काफ़ी ज़्यादा शानदार होएगा। और सबसे बड़ी बात, आप सालासर बालाजी के दर्शन करोगे, वो सबसे बड़ी बात है। सामने एमजी कहाँ है? कहाँ है? अच्छा हाँ, क्या बात है यार, एमजी एक्टर ही पहचान लिया। जय हो, जय हो श्री राम दरबार। देखिए भैया दर्शन कीजिए, जय श्री राम। तो भाई ये पंचकुला भवन धर्मशाला, यहाँ पे आते ही सामने रिसेप्शन, बहुत बढ़िया वेटिंग एरिया, काफ़ी शानदार है। तो यहाँ पे नाश्ता का कूपन 7 बजे से 9 बजे तक आपको लेना पड़ेगा अगर आप आते हो। क्या हुआ? स्लाइड करना, स्लाइड करना, स्लाइड कहाँ है? अच्छा अभी चलेंगे, पहले एक बार चेंज कर ले स्लाइड, वो छू ले सर, स्लाइड करना। हाँ जा यार, करा दे मोड़। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं पंचकुला भवन, जो कि चंडीगढ़ स्थित धर्मशाला है। चंडीगढ़ के महापुरुषों ने बनवाया है धर्मशाला। विकास भाई सो रहे हैं, और लिटरली भाई यहाँ पे अगर आप आ गए ना, आप ये नहीं कहोगे कि आप धर्मशाला में हो, आप कहोगे भैया ये तो कोई 5-4 स्टार होटल है, इतना बढ़िया बनाया हुआ है। क्यों विकास भाई, सही बोल रहा हूँ? जिस हिसाब से रेट और प्राइस सुनोगे आप, सिर्फ 1500 रुपये पर रूम, 1400 रुपये। थैंक्स टू विनीत गोयल जी, उन्होंने रिकमेंड किया, वरना मैं कहीं और प्लान कर रहा था। यहाँ जीरो हो गया,
अच्छा ऐसे करते करते यहाँ पे ना 100 नंबर हो गए। अच्छा, और नीचे जब गिरता है तो नीचे मल्टीपल्स है इंटू इंटू इंटू, तो यहाँ पे 100 हो गया था और इंटू 10 हजार हजार जीरो। सही बात सही बात। तो चलो आपको दिखाते हैं थोड़ा सा इधर दूसरी तरफ। चल हो जाओ तुम लोग, देख लो भाई क्या शानदार। भाई मैं तो कह रहा हूँ अल्टीमेट खत्म है भाई, इतना शानदार इतना बढ़िया इतनी अच्छी सफाई तो मुझे लगता है नॉर्मल होटल में भी नहीं होती है। चलिए आइए दिखाते हैं, दिस इज द बिग रूम। 12 बजे। गाइस कैसे हो, क्या हाल चाल है, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो हम हैं सालासर में और अभी हम प्लान कर रहे हैं कहीं जाने का, बट कहाँ जाएंगे वी डोंट नो। हाँ बट कुछ है यहाँ पे जो घूमने लायक हो, जैसे कि कोई फोर्ट हो गया या कोई किला हो गया, ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। मैं जाऊँगा, मेरी मम्मी जाएंगी और सारे जाएंगे। तो रेडी हो चुके हैं, ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट करने के बाद लेट्स सी। सो फाइनली आ चुके हैं हम नाश्ता करने, यहाँ पे हमारे रूम्स के साथ इंक्लूड था ब्रेकफास्ट, लिटरली अमेजिंग यार। 1500 रुपये के अंदर रूम के साथ ब्रेकफास्ट भी बढ़िया है। 1400 रुपये, 1400 पर रूम और फैसिलिटीज़ में सबसे पहली चीज़ जो बेसिक चीज़ है, चाय कॉफ़ी पानी कोल्ड ड्रिंक सब चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दूँगा। ब्रेकफास्ट भी फाइनली हम निकल चुके हैं और यहाँ पे आप देख पा रहे हो अनु नहीं आई है, मम्मी है, सास है मेरी, सुजीत है और गुरदीप ड्राइव कर रहा है जैसे कि आप हमेशा देखते आए हो। तो गुरदीप थोड़ा सा रोकना यार, कहीं बढ़िया साइड सीन देख के ना, जहाँ पे पहाड़ वहाड़ हो बढ़िया, बादल वगैरह हमारे पैरों पे हो, धुंध पड़ी हो और अगर बर्फ पड़ी हो तो और मजा आ जाएगा। बढ़िया जगह देख के रोकना, फोटो फोटो खींचना, फोटो खींचना ना विस्तृत देख के तो निकल चुके हैं, बस देखता हूँ। ठंड बहुत लग रही है, ठंड बहुत लग रही है, एसी कर दिए हम 31 पे, 31 पे कर दिया टेम्परेचर और खींच रहे हैं पूरा। आप लोग बताओ यार, जो भी राजस्थान से है क्या इतना ही ठंड पड़ता है यहाँ हमेशा या और इससे भी ज्यादा पड़ता है? और धूप तो बिल्कुल ही नहीं निकली, धूप तो निकलती ही नहीं है। एक ये लोग कमेंट किए थे, कहते धूप तो यहाँ निकलती ही नहीं, राजस्थान में धूप होती नहीं है। और सामने जा रहे हैं ना गौ माता, उनको उनको भी किसी ने देखो जैकेट पहनाया हुआ है। तो गाइस फाइनली हम आ गए हैं लक्ष्मणगढ़ बस स्टैंड है ये, यहाँ पे आप देख पा रहे हो लक्ष्मणगढ़ सीकर में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो बेसिकली यहाँ पे एक फोर्ट है और मुझे नहीं पता है कैसा होगा क्या होगा, बट हाँ सामने आपको दिख रहा हम जाने वाले का कहाँ दिख रहा है दिख रहे है? नहीं इधर इधर देखो सामने पुराने होते हैं वो वॉल हेरिटेज साइट में। तो सुनने में आ रहा है ये जो किला है और जहाँ हम जा रहे हैं ये हॉन्टेड है। गुरदीप जाओगे ना हॉन्टेड प्लेस में? मैं तो सर मेरे को तो हॉन्टेड प्लेस है ना थोड़ा सा डर लगता है, नहीं डर भी नहीं लगता मतलब। हाँ गुरदीप समझ लो आप, गुरदीप दूर रहना सही है। गुरदीप क्या पता कि कब क्या हो जाए। गुरदीप हाँ जी बोलिए। हेरिटेज मतलब ऐतिहासिक। अच्छा ओके, मुझे सुन ही नहीं रहा था क्या बोल रहे। ऐतिहासिक प्लेस है। अच्छा। जो 100 साल से ऊपर हो जाए वो ऐतिहासिक हो जाता है। अच्छा, ओके। फिर अगर हमारा घर 100 साल से ऊपर हो गया भाई हमारा घर भी ऐतिहासिक हो जाएगा। वो एक नियम होना चाहिए जैसे कि देखिए वो देखो दिख रहा है इससे बहुत तो जुड़े हुए हैं ये सारे ने रास्ता कहां से सबने सबने बेच। तो गाइस यहां पे हम आ चुके हैं, ये है किला। तो भाई यही किला है वो जहाँ पे हम अभी आए है ना, नाहरगढ़ फोर्ट। नाहरगढ़ कौन सा किला है सर? सबसे बड़ा फोर्ट है ग्वालियर फोर्ट। कौन सा किला है ये? लक्ष्मणगढ़।
कौन सी? लक्ष्मणगढ़ किला। ये है लक्ष्मणगढ़ किला। वह गाइस हम आ गए हैं, ये देखो भाई साहब अभी हमने रथ लेके निकले हैं, तो बहुत ही ज़्यादा ऊंचा है, बहुत ही ज़्यादा चढ़ाई भाई, यहाँ से चढ़ के जाना पड़ेगा। देखिए यहाँ से ये पूरा येलो 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 वहाँ तक, फिर उसके ऊपर काफ़ी ऊंचा है भाई, बहुत ही ज़्यादा, और धूप यहाँ बहुत कड़क पड़ रही है, तो देखिए किले का रंग भी काला होगा धूप से बहुत ज़्यादा। भाई यहाँ पे हम ऊपर गए और ऊपर जाकर देखा हमने कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी था, चला नहीं गया 10-15 कदम भी। विश्वजीत चलोगे? हाँ चलोगे, नहीं चला जाएगा भैया, डूबने नहीं देगा। देखो इतनी धूप पड़ रही है, अब दिखाओ किले का रंग भी काला होगा इतनी धूप पड़ रही है। ओ भाई साहब, अब बताओ भाई 250 साल क्या कर सकते हैं, इसका रंग तो ऐसा ही होगा, वही है ना धूप की वजह। मम्मी यहाँ पे फोटो खिंचवा रहे हैं दोनों लोग, देखो अब दोनों पैरों में तो बढ़िया बन रहा है। तो फाइनली वी रीच्ड इन वाटर पार्क, और हम आ चुके हैं वाटर पार्क में। युवान मेरे साथ है, युवान युवान फाइनली यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, और यहाँ पे विकास भाई यहाँ पे ध्यान से लगता जाए ये क्या कर रहे हो? आपके हैंड देखो, हैंड देखो, आपके खराब हो गए। अरे हमारा जिम से रुल रहा है, चलो
मम्मी आ गई। मम्मी हाँ वहाँ मम्मी ऊपर है ऊपर यहाँ से है मैं ट्यूब तो बाहर कर दो तो मैं ट्यूब तो बाहर कर दो ट्यूब तो भरना है गाइस। फाइनली हम लोग वाटर पार्क से पूरा फुल फन एंजॉय करके आगे, बहुत ज्यादा थकान है और अभी हम लोग मध्याह्न भोजन करेंगे। मध्याह्न में भोजन करेंगे यानी कि खाना खाने लग गए हैं और यहाँ पे देख पा रहे हो हाँ खोल दे सो यहाँ पर खाना खा रहे हैं हम सब मिलकर बैठकर। इसके बाद आज दर्शन करेंगे। आप सोच रहे होंगे भाई तुम लोग कल से आए हो यहाँ पे सालासर में, अभी तक बाबा जी के दर्शन नहीं किए। देखिए हम लोग जब आए थे तो सारी रात का जागा हुआ था, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि हम बाहर निकल पाए, और वैसे भी मॉर्निंग में एकदम से आके एकदम से निकलना समझदारी नहीं लगा मुझे। दोपहर को बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से हम देखें, लेकिन आज ठंडा हो जाएगा मौसम जब, और साथ ही साथ शनिवार है तो इवनिंग में आरती वगैरह और भी चीज़ें होंगी, बहुत बढ़िया अपन दर्शन करेंगे खुला। और उसके बाद सेकेंड डे भी हम कहने की कल भी दर्शन करेंगे और उसके कल कहीं और चलेंगे, दिखाएंगे आपको। बने रहिए एंड तक, अभी तक लाइक नहीं किया है तो हिट द लाइक बटन। और ये रेस्टोरेंट है भाई, किसी ने मुझे गाइड किया कि ये स्वास्तिक रेस्टोरेंट आपके लेवल की रेस्टोरेंट है, बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट है। और देख लो ये तो लगा कोई होगा भाई। तो बहुत देर की नींद लेने के बाद फाइनली हम जा रहे हैं सालासर महाराज जी के मत्था टेकने, उनके दर्शन करने बाबा जी के, और हमारी यहाँ आने का मकसद जो कि था सालासर बाबा जी के दर्शन करना, वो अभी अब दर्शन करेंगे। थोड़ा सा रात का समय है, ये हमारा धर्मशाला आप देख पा रहे हो जो भाई, ज़्यादा नहीं चक्कर ना आ जाए, चक्कर आ जाएगा। बना रहा हूँ कहना वीडियो बना रहा था, उसको हाल ही हो गया। Very good. Come on, Gugu, तुम बहुत स्लो। Gugu is very slow. Gugu झूला झूल नहीं रहा। Oh no, Gugu फिर से उतर गए। वो try कर रहे हैं। Hey, well try, बहुत बढ़िया। फिर से? Oh my God. तो भाई यहाँ पे झूला खराब हो गया, गुगू कर रहे हैं। दोनों ने झूला एक्सचेंज कर लिया है, सर ने और गुगू ने। गुगू को शक था कि मेरे वाला झूला खराब हो गया, सर ने ये शक दूर कर दिया गुगू का और एक्सचेंज कर दिया है। बहुत बढ़िया गुगू, वेरी गुड। ए भाई तेज क्यों चला रहे कर फाइनली हम मंदिर। वो कहाँ जा रहे हैं बताए, देखो इधर ओल्ड स्कूल में जा रहे हैं, ओल्ड स्कूल में जा रहे हैं। कह रहा हूं ओल्ड स्कूल लगा दो, अच्छा मंदिर आने वाला है। नहीं नहीं, जय श्री मंगल भवन मंगल हरी लगाओ, जय श्री राम। मत करो, लेकर तो आने का भाई यहां पे यहां पे तो आए। देखो मैंने बोला था
सो यहाँ पे बाजार है तिरुपति बालाजी फैंसी स्टोर। हम आ गए हैं मंदिर से कुछ ही दूर पे हैं और यहाँ पे बाजार सारा लगा हुआ है। शिकंजवी हो गई, जस्की हो गई, हरियाणे की दुकान है ना, काफ़ी कुछ है यहाँ पे। लेट्स सी, ये खाली प्लाट है, इस तरह की सब्जियों की साथ की बाजार लगी हुई है। जय श्री राम। तो गाइस हम लाइन कहाँ से आ रहे हैं, वहाँ से आते हुए ऐसे जाएंगे। देख पा रहे हैं ये बाजार की रौनक, ये सारा बाजार में बहुत ज्यादा भीड़ है। प्रदीप आगे जा रहा है। जय श्री महाराज की। तो यहाँ पे गुरदीप गुगू को उठाया हुआ है और पीछे नखरा चल रहे। तो यहाँ पे भोले शंकर जी का प्रतिमा और ये है श्री बालाजी बुक डिपो। क्या दे बोलो दे बहुत अच्छे दर्शन होने के बाद बहुत शानदार। आप लोग भी करो, मैं नहीं खा पाया गुरदीप, मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा आपके दर्शन करवा। अब हम आ गए हैं, कहाँ आ गए गुरदीप? 1 करोड़ कमाना कि नहीं कमाना? यस सर, 1 करोड़ कमाना कि नहीं कमाना? खाना कि नहीं खाना? फाइनली हम लोगों को मिल गया जगह और हम लोग बैठ गए खाना खाने। यहाँ पे युवान अपने कार में और अपने स्लाइम के साथ लगा हुआ है, ये देखो नहीं भी आज हुआ। और दिल्ली में यहाँ पे इंतजार कर रहा है, कह रहा है 3 दिन से लगातार सोया नहीं हो तो अभी सोना है। यहाँ पे विश्वजीत बैठा है, रवि बैठा है, लड्डू पेड़ा फलाई देखने की बात उठाई है, सब देखेंगे लड़कियाँ आंटियाँ सब बैठी हुई हैं। यार चावल तो बहुत कम है, चावल एक और, चावल एक और ला देना यार। दाल लाओगे? दाल लाओ, चावल एक और ला देना। तो गाइस कैसे हैं, क्या हाल चाल है, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। और गुगु यहाँ पे रो रहा है, रोने के पीछे का रीजन, इसको मोबाइल चाहिए भर भर के। चलो चलते हैं, आज है हमारा सनातन महाराज जी के आपका दूसरा दिन और हम जा रहे हैं अंजनी माता मंदिर के दर्शन करने। अंजनी माता मंदिर के दर्शन करके खाटू साहब जी निकलेंगे। लस्सी युवान आ चुका है और युवान को दे देंगे हम अपना फोन। बैठोगे गाड़ी में? बैठो गाड़ी में, ठंडा है। आई मीन देर गाड़ी में बैठो, जाओ मैंने गाड़ी ऑफ कर दी, गाड़ी ऑन है। जाओ वहाँ पे खड़े हो जाओ, अंदर जाओ। भैया इसको बैठा नहीं सकते हो नीचे? हाँ भैया आपको उठ बैठता नहीं है तो बैठा के बैठाना था। फिर डर जाएगी ना, बैठा नहीं जाएगा। अच्छा ये तो और भी, हम लोग तो बैठ के ही बैठते हैं, मजा आता है। नहीं नहीं हम बैठिए, चलो अभी फॉलो गो है तो ऊपर से डरा। मैं नहीं बैठ यार, बैठा के ज्यादा आसान था। बिना देर किए हम पहुंच गए हैं अंजनी माता मंदिर। अब अंदर अलाउड नहीं है कैमरा, तो बाहर से ही अलाउड है। नहीं कल भैया अंजनी माता द्वार कैमरा अलाउड नहीं है, तो मैं यहाँ कैमरा बंद करूँगा। अब
तो अंदर फोटोज अलाउड नहीं थे वीडियोग्राफी, तो मैं बाहर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर रहा हूँ। ये सामने देखिए लोग यहाँ पे धागा वगैरह बांधते हैं अपनी मन्नत के लिए। ध्यान से बस बस बस। तो यहाँ पे हमने लिया प्रसाद, ये दुकान था, बहुत सारी चीजें यहाँ पर मिल रही है, राम दरबार एंड ऑल। सो यहाँ पे आओगे नहीं मैं। सो यहाँ पे हम देख रहे हो हनुमान जी के सामने फोटो खींचना था इनको, तो मैं चलो खिंचवा देता हूँ। चमेली देवी अग्रवाल यही रहो। फाइनली हम निकल चुके हैं, विकास भाई गाड़ी लेके चल रहे हैं, रोक लो थोड़ा सा यहाँ से, यहाँ रोक लेते हैं और हम थोड़ा सा ब्लॉक कर लेते हैं फिर चलते हैं आगे। एसी थोड़ा सा कम कर लेते हैं और यहाँ पे इस तरफ जाना ना हम लोगों ने, कर लो घुमा लो, इधर जाना इधर जाना इधर जाना मैं बताओ उधर जाना इधर ही जाना मैप लगा लो एक बार। तो मैप लगा लेते हैं एक बार। ये लो जी, ये मैंने जिंदगी में पहली बार इतनी गाड़ी चलाई। मेरे को गाड़ी चलानी नहीं आती है। चलो भाई बहुत बढ़िया चलाया फिर। पहली बार मैंने भी बहुत बढ़िया चलाया अपना। अब इंटरेस्ट हो गया, अब सीखूंगा जरूर। नहीं मेरे को पता जिस चीज में इंटरेस्ट नहीं होता मैं नहीं करता, अगर इंटरेस्ट आ गया तो काम कर देते उसको फिर कर लेंगे। नहीं तो मेरे को दे रहे थे गाड़ी की ले जाओ पर नहीं जा सकते, मेरे को पता टूट जाएगी। बढ़िया चलो आ जाओ गुरदीप, जल्दी जरूर सीखेंगे गाड़ी। हाँ अब चलानी शुरू। चलो फाइनली अब हम निकलने लग गए हैं खाटू श्याम जी के दर्शन करने। खाटू श्याम जी के दर्शन करेंगे और उसके बाद सीधा घर की तरफ, और आज के आज ही हमें घर खींच देना है क्योंकि कल गुगू का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, तो हम ज़्यादा समय लगाएंगे नहीं। अभी सर बच्चे को कजल पार कर रहे हैं लेकिन हाँ बच्चा सो जाएगा मुझे पता है गाड़ी में, उसको उतना दिक्कत नहीं होगा। आज है 19 मई और कल मार्केट हमारा बंद है, कल हम लोग घर में अपने अपने रेस्ट करेंगे और थोड़ा बहुत काम करेंगे। देखो क्या हो गया, ये देखो क्या हो गया, ये मोटी चल रही है चल रही है कितना परेशान हो थोड़ी इधर अच्छा इधर ही रखता हूं ना मैंने छोड़ 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 ना छोड़ ना चल हम चल हम चल बंद करो दोबारा करो स्टार्ट करो गाड़ी चल लो चलाओ चल गया चल बाबू चांदनी बुला रही है। बाबू का नाम चांदनी है, बाबू का चांदनी बुला रही है बाबू की। नंगी अखा नहीं दिख रहा कि विंड पावर है, किन्ने लगे हुए नंगी अखा दिख रहा गुगू कैसे मुंह गंदा कर लिया। तो देखो भाई यहाँ पे पूरा खत्म कर दिया गुगू ने चॉकलेट, पूरा चॉकलेट खा गया और मुंह पूरा गंदा कर लिया, और भूख लगा था गुगू को, भूख लगा था ना भूख लग रही थी अच्छा था इसमें गुरदीप मिला थैंक यू बोले क्या गुगू जोर से थैंक यू। चलो जी चलो 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 स्टार्ट चलो चले गुगू शैम्पू नेकलॉल क्या पहन रहे पहन रहे पहन दे दे और नेकलॉल कितना है 350 ये तुम क्या कर रहे हो, ये क्या है तुम्हारे हाथ में, क्या अंडा कैमरे से
कितना अच्छा लग रहा है ना।